तेरी मेरी डोरिया में इस समय क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए जा रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि गैरी यानी कि तुषार धीमला की वापसी के बाद सीरियल दिन पर दिन और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जहां गैरी ने साहिबा को गाड़ी में बैठा के मरने के लिए छोड़ दिया है, वहीं अंगद अपनी साहिबा को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा है। अंगद को समझ में नहीं आ रहा है कि साहिबा के साथ ये क्या हुआ, लेकिन अभी अंगद के साथ जो होने वाला है वो तो अंगद ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साहिबा को होश आ जाता है और वो अंगद को जो बताती है, उसके बाद अंगद के होश उड़ जाते हैं। साहिबा अंगद को बताती है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट उससे नहीं बल्कि कार की ड्राइविंग सीट पर उसे गैरी ने बैठाया था। गैरी का नाम सुन के तो अंगद हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि अंगद और पूरे घर वाले तो यही जानते हैं कि गैरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। यही नहीं, साहिबा अंगद को ये भी बताती है कि सीरत इस बात को जानती है कि गैरी जिंदा है। साहिबा अंगद को वो सब बताती है जो उसने होटल रूम में देखा या सुना। यहाँ पर गैरी से हो गई बहुत बड़ी गलतफहमी। उसे लगता है कि साहिबा पूरे टाइम बेहोश थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि समय रहते ही साहिबा को होश आ गया था और उसने गैरी, मन्नत और पार्थ की सारी बातें सुन ली थी। यही नहीं, जब गैरी सबके सामने सनी सूद वाला प्लान रिवील कर रहा था कि सनी सूद नाम का तो कोई आदमी ही नहीं है, सनी सूद नाम के इमेजिनरी आदमी को उसने अंगद और साहिबा के सामने खड़ा किया ताकि वो अंगद का जुनूने दिल चुरा के अंगद को बर्बाद कर सके, तो वो प्लान भी चुपके से साहिबा ने सुन लिया था। और साहिबा के मुंह से इतना कुछ सुनने के बाद अंगद एक बार फिर टूट जाता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अंगद तो गैरी का सच जानता ही है कि गैरी कैसा लड़का है, फिर भी अंगद को बार बार यही कहना होता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा खुद का भाई मेरे साथ ऐसा कर रहा है। खैर, हर बार की तरह इस बार साहिबा को अंगद को सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अंगद आँख मूंद के साहिबा की बातों पर विश्वास कर लेता है।